अब अगर हम दूसरे टॉपिक पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारे सुब्रत राय सारा के जीवन पे बनने वाली है और जिसका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो चुका है और वो चीज़ किस समय बनेगी, कहाँ बनेगी, ये किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर बात करते हैं जहाँ पे एक तरफ हमारे पेमेंट लोगों के जो पेमेंट्स हैं वो नहीं हो पा रहे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के एवज में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हम ये बात नहीं करेंगे कि केवल सारा हिस्ट्री का पेमेंट वहाँ पे खर्च हो रहा है या मतलब कंपनी का पेमेंट खर्च हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो ऑब्वियसली उसमें पैसा उनका भी खर्च हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें ना करते हुए अगर इन्वेस्टर के पेमेंट्स के लिए बात की जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और आने वाले समय में हमारे सारा सिरे के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेगा कि अगर उन्होंने पेमेंट्स को स्टार्ट किया और अगर लोगों को पेमेंट देंगे तो आगे आने वाले समय में वो अपनी चाहे जितनी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाएं उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में ऑब्जेक्शन इस बात का है कि जब आप किसी इन्वेस्टर को उनका पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने के लिए आप अपने प्रोडक्शन को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं और वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, तो इससे आपको जो अपनी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसको बना के आपको क्या फ़ायदा होगा। एक ये मुद्दा बहुत बड़ा उठा हुआ है लेकिन अभी भी इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस लिए बनाई जा रही है और किन मुद्दों को लेके बनाई जा रही है। लेकिन अगर हमारे बात करते हैं तो हमने इन्वेस्टर के हित के लिए बात करेंगे और यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर जो हमारा जो प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को बना रहा है इसको रिजेक्ट करे और उस अमाउंट से लोगों के भुगतान करने में कोताही बरते और जितनी जल्दी हो सके उनके भुगतान को वो चालू कर सके ताकि आने वाले समय में सारा श्री अपने जितनी भी चीज़ें बनाए तो उस पर कोई भी उंगली नहीं उठेगी।